वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे डायगोनल्स की तरफ। दिस इज द लास्ट एंड द कंक्लूडिंग एलिमेंट। सबसे पहले आपने नेम सीखा, नेम के बाद वर्टाइसेस, उसके बाद एडजेसेंस, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल एंड द लास्ट एंड फाइनल इज डायगोनल्स। So, अब आफ्टर राइटिंग एडजेसेंट एंगल्स, जो चौथा लाइन था बेटा, लीव अ लाइन एंड यू विल गिव द हेडिंग ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, जब दो ऑपोजिट वर्टाइसेस, टू ऑपोजिट वर्टाइसेस आर जॉइंड, वी गेट अ डायगोनल। तो आप इसको लिखते हो इस तरीके से, व्हेन टू ऑपोजिट वर्टाइसेस आर जॉइंट, वी गेट अ डायगोनल, वी गेट अ डायगोनल। यस, अब आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। अगर आप एक्स को देखो तो एक्स का ऑपोजिट कौन है, एक्स एक्स के ऑपोजिट में है जेड। तो एक्स और जेड को जॉइंट कर दो तो आपका डायगोनल बनता है सेगमेंट एक्स जेड और सेगमेंट जेड एक्स। आपको जैसा ठीक लगे आप लिख सकते हो, या तो आप एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा बेटा आपको ऑपोजिट को ज्वाइंट करना था, ऑपोजिट। अब दूसरा देखो, वाई, वाई के ऑपोजिट में कौन है, डब्ल्यू। So, y और w को हम क्या कर देंगे, join। तो आपका नाम बन जाएगा डायगोनल का सेगमेंट yw, या फिर आप लिख सकते हो सेगमेंट wy। एग्जाम में बेटा इन दो में से, मतलब सॉरी, इन दो में से कोई एक ही लिखना है। आइदर यू विल राइट xz or you will write ZW, but while writing in your school's notebooks, आप लोग सब लिखोगे, so that कि आपको बाद में confuse नहीं हो कि सर ने X Z को भी write दिया और मेरे दोस्त ने Z X लिखा था, सर ने उसको भी write दिया। बेटा पहले आप नाम बोलो, बाद में सरनेम बोलो, या पहले सरनेम बोल के बाद में नाम बोलो, आप रहोगे तो खुद ही ना। तो either you write X Z or you write ZX, both means the same। By this beta, आपका practice set number 38 का Q1 complete हो जाता है। अब इसके आगे बेटा Q2 है, जो वापस से revision कराया जा रहा है। So that we will see in the next video। Till then, take care of yourself and thank you।